जय श्री श्याम, जय मनोरमा धाम, जय हो महंत जी महाराज की। दोस्तों, मैं आपका भाई अलंकार तोमर। आज बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो कि है श्याम जल। श्याम जल एक औषधि, एक दवा के रूप में श्री मनोरमा धाम में प्रयुक्त किया जाता है। हर प्रकार की बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, घर में भूत ब्यादा की समस्या हो, घर में कलेश हो, सारी समस्याओं का निदान है तो सिर्फ श्याम जल। श्याम जल से संबंधित सैकड़ों की संख्या में लोग प्रश्न करते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके, जिनके विषय में आपको जानना अनिवार्य है और अति आवश्यक भी है। ताकि श्याम जल तो आप लोग मान लो घर पे ले आए, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है तो भी आप भ्रमित हो जाएंगे कहीं ना कहीं। फिर आप इधर उधर से सवाल पूछेंगे, लोग आपको उल्टे सीधे जवाब देंगे और उसके बाद में आपको वो लाभ नहीं मिल पाएगा श्याम जल से जो मिलना चाहिए। तो हजारों की संख्या में जो भक्तगण श्याम प्रेमी प्रश्न करते हैं, और मैंने सारे प्रश्न को नोट किया है इस कागज पर, और लगभग 11 प्रश्न हैं इस कागज के अंदर, और इतने ही महत्वपूर्ण, इतने अनिवार्य प्रश्न हैं जो कि आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। हमें मनोबल मिलता है, हमें ये महसूस होता है कि हाँ, हमारे जो श्याम प्रेमी हैं, हमारे जो भाई बहन लोग हैं जो देश के दूर दराज से हमारी वीडियो को देखते हैं, तो उनका स्नेह और प्यार हमें मिल जाता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, और आप हमारे परिवार के एक बहुत प्यारे से सदस्य भी बन जाते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से धन्यवाद, और बाबा श्री श्याम से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं हमारी हों या ना हो, आप लोगों की जरूर पूरी हो। तो अब हम चलते हैं विषय की ओर। देखिए, विषय ये है श्याम जल। एक बहन ने एक प्रश्न किया था, जब हम पहले श्याम जल ले गए थे तो फायदा हुआ था, ठीक है, पहले श्याम जल ले गए थे तो फायदा हुआ था, लेकिन दूसरी बार जब लेके गए तो फायदा नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? तो उसके बारे में मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, उससे पहले मैं सारे प्रश्न पढ़ देता हूँ, क्या क्या प्रश्न है इनके। हम धाम से बहुत मात्रा में श्याम जल ले गए थे, लेकिन अब घर में सोवर हो गई है, क्या अब श्याम जल अपवित्र हो गया है? सोवर हो जाए या गमी हो जाए, तो उस संबंध में इन्होंने प्रश्न किया है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दोस्तों यह है कि अक्सर हमारी माताओं बहनों को एक समस्या रहती है, मासिक धर्म की समस्या, उसके चलते अगर हम क्या श्याम जल का सेवन कर सकते हैं? और इसी में ही प्रश्न है कि क्या इस अवस्था में हम धाम पर आ सकते हैं, बाबा श्री श्याम से मिल सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चौथा प्रश्न दोस्तों यह है कि मीठ मांस मदिरा सेवन के बाद क्या श्याम जल का प्रयोग किया जाना चाहिए? प्रश्नों के जवाब हमने महंत जी से पूछे हुए हैं, और प्रमाणिकता के आधार पर हमारे बताने के बाद हम महंत जी से भी सारे प्रश्नों के जवाब आपको इसी वीडियो में ही दिलाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्याम जल घर में कहाँ पर रखें? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और कई बहनों ने कमेंट किया था कि श्याम जल हम लेकर जाएं तो हम घर में कहाँ रखें उसको, और उसका सेवन हम कैसे करें? यह भी एक बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों यह है कि कोई ऐसा गंभीर मरीज जो धाम पर नहीं आ सकता, तो क्या उसके परिवारजन या परिवार का कोई सदस्य धाम पर आकर उसे जल ले जा सकता है? वो क्या उसे फायदा करेगा? यदि मान लीजिए हम बीमार हैं, हम धाम पर नहीं आ सकते हैं, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य हमारे लिए जल लेके जा सकता है, क्या क्या वो फायदेमंद है? अगला है कि श्याम जल अगर थोड़ा ही बचा हो तो क्या उसमें कोई अन्य जल मिलाने से वह सही काम करता है, क्या वह लाभ देगा? काउंटर वाला जो श्याम जल होता है, जो कि मनोरमा धाम में ही मिलता है, काउंटर वाला श्याम जल, जहाँ एक काउंटर पे लोग बेचते हैं बहुत सारा श्याम जल, 20 रुपए की बोतल होती है, पड़ा हुआ श्याम जल होता है वो महंत महाराज जी से। तो काउंटर वाला जो श्याम जल होता है, तो वो और जो महंत जी महाराज पढ़ के देते हैं, दोनों ही श्याम जल एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? ये भी बहुत लोगों ने प्रश्न किया था। और देखिए, अगला प्रश्न है कि धाम पर कितनी हाजिरी जरूरी है, यदि फायदा हमें हो तो कितनी हाजिरी हम धाम पर दें ताकि हमें हमारे स्वास्थ्य में अनुकूल लाभ हो, ठीक है। इससे अगला प्रश्न दोस्तों यह है
कि एक भाई ने प्रश्न किया था कि मेरे भाई एमएलए हैं और उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो धाम पर घंटों लाइन में लगें और बाबा के दर्शन करें, तो क्या मरुना धाम में वीआईपी दर्शन की भी कोई सुविधा है? तो इसके बारे में भी हम आपको उत्तर देंगे। और इससे अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन श्याम जल हम कैसे मंगवाएं? ऑनलाइन श्याम जल जैसे मान लीजिए कोई बहुत दूर दराज का है तो ऑनलाइन बाय पोस्ट कैसे पहुंचे? दोस्तों ये 11 प्रश्न है, यदि इन 11 प्रश्नों में से कोई भी आपका प्रश्न है तो आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इसी वीडियो में सारे ही प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा था, जब हम श्याम जल पहले लेके गए थे तो फायदा हुआ था, लेकिन दूसरी बार जब लेके गए तो फायदा नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब मैं आपको बताऊं, जब मैंने उस बहन से पूछा था कि पहली बार आप जब श्याम जल लेके गई थी तो कहां से लिया था आपने, तो उन्होंने कहा कि हमने धाम से ही लिया था। जब हम दूसरी बार मनोरा धाम पहुंचे तो हम श्याम जल अपने घर से ही एक बोतल में भर के ले गए थे, वही हमने महंत जी महाराज से पढ़वाया था। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आपको श्याम जल घर से लेकर नहीं जाना है, किसी भी बोतल में भर के नहीं लाना है श्याम जल। आपको क्या करना है, आपको एक खाली बोतल लाना है और जो वहां सरकारी नल है जिस पर बाबा की विशेष कृपा है, बाबा श्री श्याम की अनुकंपा उस नल पर है, उसी नल का ही आप श्याम जल अपनी बोतल में भरे और महंत जी महाराज से पढ़वाएं। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो आपको एक काउंटर पे जाना है जो कि मनोरा धाम में ही स्थित है और आपको 20 रुपए देना है, महंत जी महाराज का पड़ा हुआ जल आपको उस काउंटर पे उपलब्ध हो जाएगा। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि इतनी सारी बोतलें वहां बिकती हैं काउंटर पे, हजारों की संख्या में बोतल रखी हुई है, तो ये सब कैसे पड़ा हुआ जल है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक बहुत बड़ा पात्र होता है जिसमें महंत जी महाराज जो है एक उस सरकारी नल से इससे श्याम जल निकलता है, उस नल के जल से उस पूरे पात्र को भरवाते हैं, ड्रम टाइप का होता है प्लास्टिक का वो, और उसके बाद में एक पात्र लेते हैं छोटा सा, उस पात्र में वो मंत्र उच्चारण करके उस जल को पढ़ते हैं, बाबा श्री श्याम का नाम लेकर पढ़ते हैं और सारी जो कृपा होती बाबा की उस जल में समाहित हो जाती है और उसी पात्र को वो बड़े पात्र में डाल देते हैं, जिससे कि पूरा बड़ा पात्र सामूहिक रूप से श्याम जल बन जाता है। ठीक है, तो उसी पात्र में से थोड़ा थोड़ा करके उन बोतलों में डाला जाता है ताकि वो सारी बोतल श्याम जल की हो जाए। तो आप लोग उस बोतल को निसंकोच ले जाइए, वहां से आपको कोई भी दुविधा की बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उस बहन को फायदा नहीं हुआ था क्योंकि वो जो श्याम जल था वो श्याम जल नहीं था, वो उनके घर का जल था। इस नल पे सीधी सीधी बाबा की असीम कृपा है, इस जल को आप एक साल तक अगर आप रखोगे बोतल में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाकी आप हमारे किसी नल का जल रख लोगे तो हो सकता है 6 महीने बाद ही उसमें तो इस वजह से ही इस नल का उपयोग किया जाता है। और आप इसको टेस्ट करके भी देखोगे, 4 गिलास पानी रखा होगा और इसका टेस्ट अलग, इस नल का ये है कि इस जल से बहुत चमत्कार हो रहे हैं और इसीलिए हमने इसी को चुना है, इसी जल को चुना है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न था, हम धाम से बहुत मात्रा में श्याम जल ले गए लेकिन अब घर में सोवर हो गई है, क्या अब श्याम जल अपवित्र हो गया है? तो आप लोगों को बता दूं, श्याम जल जो है कभी अपवित्र नहीं होता है और श्याम जल हमेशा पवित्र रहता है, आपके घर में चाहे सोवर हो गई हो चाहे गमी हो गई हो, कि जैसे कि गंगा का जब जल होता है हमेशा पवित्र होता है, वैसे ही श्याम जल हमेशा पवित्र रहता है, उसमें कोई भी अपवित्रता नहीं फैलती है। जाते मान लो तो गमी हो या सोवर गमी होगी, इनको हम बिल्कुल मानते ही नहीं, तो हम इसको जलन में नहीं मानते, वो शुद्ध रहेगा, वो शुद्ध रहता है, जल को कोई अशुद्ध कैसे कर सकता है, गंगा के जल को अशुद्ध कैसे कर सकते हैं, तीसरा प्रश्न था, मासिक धर्म की समस्या में क्या श्याम जल का सेवन कर सकते हैं, क्या इस अवस्था में धाम पर आ सकते हैं? तो महंत जी महाराज से जब हमने इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा तो महंत जी महाराज ने साफ साफ कहा कि हाँ, प्रत्येक माता बहन कभी अपवित्र नहीं होती है, उसे हम किसी भी परिस्थिति में
किसी भी अवस्था में धाम पर आ जाना चाहिए और श्याम जल का सेवन कर लेना चाहिए। श्याम जल का सेवन भी कर सकती है, और हम तो ये कहते हैं, हम तो यहाँ तक भी बुला लेते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि ऐसे ऐसी दिक्कत चल रही है, हम नहीं बुलाओ, माता बहना कभी अशुद्ध होती ही नहीं है, ईश्वर ने शुद्ध बना के भेजा है, चीजों को बिल्कुल नहीं मानते। अगला प्रश्न था, मीट मांस मदिरा सेवन के बाद क्या श्याम जल का प्रयोग करना चाहिए? ये खाने पीने का मामला जो है, हम किसी तरीके से नहीं कहते हैं कि आप इसको मत खाओ उसको मत खाओ, ये हम कंडीशन लगाते हैं, हम तो किसी चीज की कोई कंडीशन नहीं। अब सोचो कोई व्यक्ति बंगाल से आ रहा है, वहाँ मछली चावल खाए जाते हैं, अब उसका मछली चावल कैसे बंद करा दें, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, तो उसका हम सेवन कैसे बंद करा दें? तो ये अपने अंतरात्मा की चीजें होती है, कभी किसी पे आप कंडीशन मत लगाओ। लोगों ने क्या करा, डर बैठा रखा है, अरे लहसुन प्याज नहीं खाना है, अरे ये चीजें नहीं करना है, अरे ईश्वर ने कौन सी किताब में कहा है कि ये नहीं करना है, ये मतलब अपनी अपने हिसाब की बना लिया आपने, किसी को थोड़ी सी स्मेल आ गई होगी, उन्होंने कहा ये नहीं खाना है, अरे क्यों नहीं खाना है, औषधि है वो, जमीन से पैदा हो रहा है, जी जी है, डॉक्टर खत्म बताते हैं उसको नहीं खाने के लिए, तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं, इस तरीके से आपत्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्याम जल घर में कहाँ रखें और उसका सेवन कैसे करना चाहिए? सबसे पूजा वाले स्थान। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सेवन करने की विधि क्या है? सेवन करने की 24 घंटे में एक ही बार पीना है, सुबह को 11:55 से पहले पहले, एक अभिजीत योग होता है, ठीक है, तो उसे हमने ये मतलब हमको देखा है, तो उससे पहले पहले ही आपको लिख भी लेना। अगला प्रश्न दोस्तों यह है, कोई ऐसा गंभीर मरीज जो धाम पर नहीं आ सकता, तो क्या उसके परिवारी लोग धाम पर आकर उसे जल ले जा सकते हैं? वो क्या उसे फायदा करेगा? बिल्कुल बिल्कुल फायदा होगा, फायदा हो जाएगा, फायदा हो। अच्छा, ये तो कोई प्रार्थना नहीं है उसी के नाम से ना, 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 जल का भी अलग होता है, जैसे हम पूछते हैं किसी से, कभी कभी जब जल पड़ते हैं तो पूछ लेते हैं भाई किसको चाहिए, तो उन्होंने उनको चाहिए, तो एक नॉर्मल तरीके से पड़ गया उसको, घर में कोई भी व्यक्ति पी सकता है उस जल, कोई भी सेवन कर सकता है, अब पर्टिकुलर किसी को बीमारी है तो उसको ध्यान में रखते ही जल पड़ा तो वो जल उसी को पीना चाहिए। अच्छा, जैसे कि जैसे बाहर जो श्याम जल काम करते हैं, और जैसे किसी को ये कॉमन हमने पढ़ा है, कॉमन है ये, कॉमन है ये, किसी के नाम से या किसी को ध्यान में रखकर नहीं पढ़ा गया है। अच्छा, कोई ध्यान का मरीज है तो आपसे पढ़वाना पड़ेगा? हाँ, कोशिश ये करिए कि एक बार टच कराइए और पढ़ाइए, अगर कैंसर कोई भी वैसी विशेष बीमारी है तो आप उसको पढ़ाइए, लोग मानते भी नहीं है, लोग वहाँ बहुत देर कहते हैं कि यार पढ़ा हुआ है, मान मैं फिर भी लोग लाइन में लगकर पढ़ते हैं, पढ़वा तो चुनी चला। अच्छा, मान लीजिए कोई आदमी बस में जा रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो गई किसी की सवारी में, तो वो उसको सेवन करा सकता है? करा सकता है, बहुत लोगों ने कराया भी है ऐसा, और लोगों को फायदा भी हुआ। अच्छा मैं जी, अगला है, श्याम जल अगर थोड़ा ही बचा हो तो क्या उसमें कोई अन्य जल मिलाने से वही सही काम करेगा? नहीं, ये गलत बात है, श्याम जल होता है, श्याम जल में आप लोग कोई अन्य चीज मिलाएंगे तो आपका वो श्याम जल वो लाभ नहीं देगा जो लाभ उसे देना चाहिए। दवा पे दवा खत्म हो जाए उसमें कुछ मिला ले, कैसे मिला लो, डीजल वाली गाड़ी में डाल दोगे? अगला है, धाम पर कितनी हाजिरी जरूरी है फायदे के लिए, आप हमें बताएं। अच्छा, इसका उत्तर देखिए, धाम पर कोई भी हाजिरी की कोई भी फॉर्मेलिटी औपचारिकता नहीं है, आप बाबा से सच्चे मन के साथ सच्ची श्रद्धा के साथ आएं, बाबा से जुड़ें और बाबा के प्रति अपना प्रेम दिखाएं, क्योंकि भगवान जो है भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। आप लोगों को कोई भी आवश्यकता नहीं है कि 20 हाजिरी देने की या 25 हाजिरी देने की। ये धाम एक मात्र ऐसा धाम है जहाँ किसी तरीके कोई हाजिरी नहीं बताई जाती है, कोई मन में डर नहीं बैठाया जाता है, कोई ऐसी पूजा पद्धति नहीं बताई जाती कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, हम जीरो बैलेंस पे काम करते हैं, आपका एक रुपया भी खर्च ना हो और आपको कृपा मिले, क्योंकि ईश्वर को किस चीज को हम क्या दे सकते हैं बाबा को, बिल्कुल। तो अगर उनके नाम से अगर कुछ ले रहे हैं तो यानी कि हम पाखंड कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, जी जी, इसलिए सीधा सीधा सरलता है, आपने अपनी बात बताई, हमने बाबा को बोल दिया, बाबा कर देते हैं उस काम को, इसीलिए मनोधाम की जरूरत है। तो बहन ने प्रश्न किया था, मेरे भाई एमएलए हैं, उनके पास अधिक समय नहीं होता, तो क्या धाम पर वो वीआईपी दर्शन कर सकते हैं? वीआईपी दर्शन बिल्कुल, और हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसे विधायक एमपी एमएलए या कोई भी अधिकारी इस तरीके से ना आए, बाबा के पास आ रहा है जब टाइम निकाल के आए, और टाइम इसके पास नहीं है तो वही सब लेना छोड़ दे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है प्रार्थना। हाँ, कभी कभी यह होता है कि किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, परेशानी है और लग रहा है हमारे लिए इसी लाइन में नहीं खड़ा हो सकता है, तो उसको हम अलग गेट से दर्शन करा देते हैं, विकलांग है कोई, कोई गर्भवती महिला है, हमें लग रहा है नहीं कोई उपाय लाइन में, तो उसको हम शॉर्ट करा देते हैं, वो हमारे अपने बुद्धि
बुद्धि विवेक पे रहता है उस समय पर हम तुरंत डिसीजन लेते हैं, लेकिन पहले से कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं है कि आप आओगे तो आपको इस तरीके से दर्शन मिलेंगे। तो महंत जी ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे यहाँ धाम पर वीआईपी दर्शन की सुविधा अलाउड नहीं है। अगला है ऑनलाइन श्यामजल कैसे मंगवाएं। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत लोगों ने इसका प्रश्न किया था कि ऑनलाइन श्यामजल हम कैसे मंगवाएं। नहीं अभी कोई स्वीकृति नहीं दी है, ऐसे सारे जो थे वो अप्रूवल सबके मिल गए हैं, अब हम तैयारी कर रहे हैं, जल्दी हो सकते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन हो जाएगा, उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, कोई व्यक्ति कहेगा दो बोतल हमें लेना है, उसने अपडेट कर दिया कि कुछ ही मैसेज हमारे पास आया, यहाँ से डिलीवरी निकाल दिया। बहुत से लोग हमें फोन करते हैं कि हाँ जी आप अलंकार तोमर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि महंत जी से मुलाकात करा दोगे हमारी, या महंत जी कितने बजे मिल जाएंगे, हमें महंत जी से मिलना है। ठीक है, वो लोग कभी नहीं कहते हैं कि हमें श्याम बाबा के दर्शन करने हैं, ये बहुत ही घृणित और भद्दी बात है। देखिए महंत जी को महंत जी किसने बनाया, बाबा श्याम ने बनाया है, तो बाबा श्याम को हम भूल जाते हैं और महंत जी, क्योंकि हमारा लालच छुपा हुआ है कि महंत जी का हाथ रखेंगे, महंत जी हमारे साथ जादू हो जाएगा, हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी, तो ये भी आपको संभव नहीं है। आपको बताऊं, यदि आप श्याम बाबा के दर्शन नहीं करें और महंत जी का आशीर्वाद या महंत जी की कृपा को पाने का आप प्रयास करें और श्याम बाबा के दर्शन ना करें, तो भी आपको महंत महाराज जी की कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए आप फुल कॉन्फिडेंस से धाम पर आए, बाबा के प्रति अपार श्रद्धा रख के आए, उनके प्रति ये सोचकर आए कि बाबा से हम प्रेम करते हैं, हम उनके बच्चे हैं और हम एक बच्चा अपने बाप से मिलने जा रहा है, कोई स्वार्थ लेके मत आइए, बाप अपने आप देगा अपने बच्चे के लिए, कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बच्चे को दुखी देखना चाहता है। ऐसे ही हमारा जो बाप है, हमारा श्याम बाबा है, और श्याम बाबा हमें सब देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि हमारी अर्जी हमने लिखी थी क्या धाम पर पहुंच गई, ये बहुत ही मुझे भद्दा प्रश्न लगता है। अरे भाई अर्जी जब आपने लिखी थी, जब अपने घर से पोस्ट की थी, जब आपने अर्जी को पूर्ण कर लिया था, तो भी श्याम बाबा पढ़ रहे थे। भाई बाबा हर जगह हैं, हम अभी अर्जी लिख रहे हैं और अर्जी हमारी तुरंत के तुरंत बाबा श्याम पढ़ भी रहे हैं, हैंड टू हैंड पढ़ रहे हैं। आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हमने अर्जी लिखी और आपने डाकखाने में डाल दी, डाकखाने में डालने के बाद आप समझ लो बाबा के पास पहुंच गई। आप फिर ये प्रश्न ना करें या फोन ना करें कि हमारे पास अभी हमारी अर्जी पहुंच गई मनोरम धाम या नहीं पहुंच गई, ये कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपने सच्चे मन से अर्जी लिखी और अर्जी लिखने के बाद लेटर बॉक्स में डाल दी, आपका काम खत्म हो गया। आपको काम करना है बाबा श्री श्याम को करना है, आपकी अर्जी का कैसा रिस्पॉन्स उन्हें देना है वो इस बात को वो निर्धारित करते हैं, ना कि हम लोग निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्नों के जवाब हो गए दोस्तों, और मैं आपसे अंत में बस यही कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे भरपूर अपना प्यार व आशीर्वाद देते रहें, ताकि हमें एक मनोबल, एक कॉन्फिडेंस मिल सके आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, और आपको भी लाभ मिल सके कहीं ना कहीं। अब देखिए बहुत से लोग लाखों रुपए लगा देते हैं अस्पतालों में जाके, लाखों रुपए, और एक दो बहनों ने तो ये तक बताया कि 50-50 लाख रुपए हमारे इलाज में लग गया, लेकिन मनोरथ धाम जब हम आए तभी हम सही हुए। अब मान लीजिए आपको पहले से ही मनोरथ धाम आ जाते तो 50 लाख रुपए उनके बच जाते, और ये कोई देखी दिखाई बात नहीं है, झूठी बात नहीं है, ये सच्चाई की बात है। मैं फुल कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूँ, बाबा श्री श्याम को साक्षी मान के कह रहा हूँ। इसलिए आप लोग भ्रमित ना हो, आप लोग परेशान ना हो। बहुत से लोग ये भी प्रश्न करते हैं हाँ भैया ये बताइए आप अलंकार तोमर जी बोल रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में लोग ठीक हो रहे हैं मनोरथ धाम में? अरे ये क्या बात हुई भाई, क्या वास्तव में इसका मतलब भगवान के प्रति आपको विश्वास नहीं है? और जितनी वीडियो हम डाल रहे हैं या फिर और जितने भी हमारे यूट्यूब से जुड़े भाई लोग हैं वो वीडियो डाल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको उन वीडियो पर भी विश्वास नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं भैया ये वीडियो रियल है क्या? अजीब अजीब प्रश्न आते हैं लोगों के। आप रियल मानिए, आप 100% कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि हम पैसे के लिए आपको भ्रमित नहीं कर सकते। यूट्यूब से चंद पैसा कमाने के लिए हम आपको आपसे आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, आपके हृदय के साथ खेल नहीं सकते हैं। अब वहां पर लाभ हो रहा है, लोगों को आश्चर्यजनक रूप से चमत्कार हो रहा है बाबा श्री श्याम का, इसी वजह से हम ये वीडियो बनाते हैं और डालते हैं कि आप लोग लाखों रुपए फूकने से बच जाएं
और मनोनाधाम खाटू श्याम जी के शरण में आकर फ्री में निःशुल्क इलाज करा लें। हमारा केवल यही उद्देश्य है, इसके अलावा हमारा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम चार पैसा पैदा करने के लिए आपसे झूठ बोलें, आपके साथ खिलवाड़ करें, आपकी जज्बात और भावनाओं के साथ खेलें। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बाबा श्री श्याम पे भरोसा रखिए और महंत जी महाराज पे भरोसा रखिए, मनोरथ धाम पर विश्वास रखिए और निःशुल्क यहाँ पर इलाज कराइए। बस अंत में विदा लेता हूँ इन सब शब्दों के साथ में और आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूँ, जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि बाबा के सेवक का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करें। श्याम जल से संबंधित चीजों को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री श्याम प्यारे की अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय श्री श्याम, जय मनोनाधाम, जय महंत जी महाराज।